हे गाइस, वेलकम टू वाराणसी। तो आज हम सब मिलकर के चलेंगे बनारस की गलियां, बनारस का मंदिर, बनारस का घाट, बनारस का संध्या आरती, हर कुछ देखेंगे। और बनारस में बहुत खास है, यहाँ पे होती है होली के टाइम पे ये जो मशान होली, तो मशान होली भी हम लोग देखेंगे, मणिकर्णिका घाट भी चलेंगे, है ना। और यहाँ बनारस में मान्यता है कि शिव पार्वती जी का विवाह के बाद में एक दूसरे के साथ पहली बार होली मनाते हैं, और ये होली हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट दोनों ही जगह मनाई जाती है, और इसे मशान होली कहा जाता है। जलती हुई चिताओं के राख के साथ में ये होली खेला जाता है। तो और भी बहुत कुछ है ब्लॉग में आगे चल करके, तो बने रहिए आप सब ब्लॉग में। बनारस का ये घाट पर आकर के मोह माया मुक्ति लोभ हर चीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे सिर्फ ही मुक्ति की यहाँ पे एक ये रहती है, यहाँ पे हर कोई बोला जाता है काशी नगरी में आने के बाद ना हर कोई को यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। तो यहाँ आकर के बिल्कुल भी ये देखिए जलती हुई चिताओं के बीच में हर कोई आ रहा है जा रहा है, लेकिन यहाँ एक भी कुछ भी डर नहीं लगता है ना। और यहाँ पे और हम लोग ऐसे बाहर में तो एक देख ले तो कितना ही डर लगता है नहीं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। यहाँ पे मोह माया मुक्ति हर डर हर चीज़ यहाँ पे आकर के ख़त्म हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, हम सब भी देख लेते हैं मशान होली कैसे खेली जाती है बनारस में। तो चलिए चलते हैं काशी आए और गंगा बोटिंग ना करें ऐसा कैसे हो सकता, तो चलिए चलते हैं बोटिंग कर लेते हैं। और देखते ही देखते काशी में दिन कैसे ही बीत गया पता ही नहीं चला, और फिलहाल संध्या टाइम हो गया, तो संध्या महाआरती में हम लोग शामिल होंगे। चलिए चलते हैं। वाला
छोटा सा बनारस टूर आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।